हेलो फ्रेंड्स, प्रतीक्षा किचन में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास में हम सीखने वाले हैं लौकी की सब्जी, जो कि इंडिया में हर रीजन में पकाई जाती है। लौकी की सब्जी के बहुत से फ़ायदे हैं, इससे स्ट्रेस कम होता है, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और ये शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है, ये नींद आने के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है और गर्मियों के दिनों में ये हमारी बॉडी को ठंडा भी रखती है। सो फ्रेंड्स, आज हम जूस वगैरह कुछ नहीं बनाने वाले इसका, तो आज हम इसकी बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ये जो मैं फ्री वाला क्लासेस ले रही हूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप एक भी क्लास मिस ना करो और आप एक अच्छे कुक बन जाओ। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, कद्दू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कद्दू लिया है, ये लगभग आधा किलो का है। तो सबसे पहले हमें इसे स्लाइसर से, इसकी स्लाइसेस इस तरह से निकाल लेंगे। फिर हम इसके इस वाले पार्ट को निकाल कर फेंक देंगे और इसके एंड वाले पार्ट को भी। अब हम इसे कट कर देंगे छोटे छोटे पीसेस में। हमारा लौकी अच्छे से कट हो चुका है, अभी हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम इसे साफ़ पानी से धो लेंगे। ये पानी हमें फेंक देना है। अभी बाकी सामान जो है इसके लिए लगने वाला है वो है आधा कटोरी प्याज अच्छे से कटा हुआ, ये मैंने आधा कटोरी भिगोया हुआ था दाल, ये मूंग दाल है जो मैंने पानी में 10 से 15 मिनट तक भिगो के रखी है। फिर मैंने लिया है आधा कटोरी कटा हुआ धनिया और आधा कटोरी पिसे हुए मूंगफली और एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। फिर मैंने मसालों में लिया है 2 चुटकी राई, 2 चुटकी जीरा, 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी किचन किंग मसाला, 2 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच लाल तीखा और 5 से 6 करेंट्स। अभी हम इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच हीटिंग ऑयल, 1/4 चम्मच थोड़ा सा पक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग, उसके बाद हम डालेंगे करी लीव्स, करी लीव्स भी अच्छे से तड़का लगने के बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज आधा कटोरी। प्याज को हम गोल्डन रेड कलर आने तक पकाएंगे। तो हमारे प्याज को थोड़ा सा गोल्डन पिंक कलर आ चुका है, अब हम इसमें डालने वाले हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं
ये मैंने जो भिगोया हुआ था मूंगफली, सॉरी जो मैंने मूंग की दाल भिगोई हुई थी वो हम इसमें डालने वाले हैं। इसे हम एक 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो फ्रेंड्स हमारी दाल को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें डालने वाले हैं मसाले। लाल मिर्च का 1.5 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच किचन किंग मसाला। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 1 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुका है। फिर हम इसमें अब डालने वाले हैं हमारे कटे हुए लौकी। फिर हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, लगभग आधा ग्लास। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसे ऊपर से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम मीडियम से लो फ्लेम पर पकाएंगे। सो फ्रेंड्स हमारे लौकी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं आधा कटोरी पिसा हुआ मूंगफली और कटे हुए धनिए। और अब हम इस सब को मिक्स कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी लौकी की सब्जी तैयार। सो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सो देखा फ्रेंड्स लौकी की सब्जी बनाना कितना आसान है। आई होप आप सभी को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये रेसिपी मिल जाए और ये ऑनलाइन जो फ्री वाला क्लास है वो भी उनको मिल जाए और वो भी अच्छे कुक बन जाए। और हाँ फ्रेंड्स आखिर में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।